नमस्कार दोस्तों, गैजेट एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो प्रोडक्ट है अपने आपके सामने, ये कमांडो टॉर्च है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ऐसी हुई है, जैसे इसको ऑन करते हैं तो इसमें हल्की सी लाइट ग्लो होती है, आगे से ये भी हल्की सी लाइट ग्लो हो रही। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम इसका 4.5 वोल्ट का एडेप्टर लगाते हैं इसे, और इसके बाद हम इसे रिचार्ज करने के लिए इसे 5 वोल्ट का डीसी जैक दिया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे डीसी 5। जब हम इसे चार्जिंग के लिए लगाते हैं, चार्जिंग पे ऑन करते हैं, तो इसका लाइट बढ़ के ग्लो नहीं हो रहा है। तब ये क्यों बढ़ के ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है, हालांकि एडेप्टर चालू है, इसमें वोल्टेज आ रही है, जैसा कि आप मल्टीमीटर पर देख रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस। तो इसमें 5.80 मतलब 5 वोल्ट के ऊपर इसको वोल्टेज मिल रही है, पर जैसे इसके अंदर डालते हैं तो ये बल्ब बढ़ के ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये चार्ज नहीं हो रही है। तो दोस्तों, भी इसमें जो चार्जिंग का एलईडी है वो भी ग्लो हो रहा है, मतलब इसके अंदर 5 वोल्ट भी जा रही है पर ये वर्क नहीं कर रही है। तो अभी हम इसे खोलते हैं। तो दोस्तों, इसे पूरी खोलने की कोई ज़रूर नहीं होती है। जैसे ही मैं आपको इसको बताता हूँ, तो इसका सर्किट पूरा बैटरी का यहाँ होता है, इसमें लॉक होता है, तो हमने इसे इस टाइप से ओपन करना है। उसके बाद ये आपको दोनों साइड से एलईडी की किट नज़र आ रही है, तो इसमें कोई स्पेयर पार्ट नहीं लगी हुई, बाकी इधर लगी है, तो यहाँ से ये सब ऑपरेट होती है। तो इसको पूरी खोलने की तो ज़रूर नहीं है। अभी इसमें जो फॉल्ट है, सबसे पहले इसे हम चार्जिंग के लिए ऑन कर देते हैं और इसका वोल्टेज देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है चार्ज सी, तो हम ये चार्ज पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगा दी, 5.79 मतलब यहाँ वोल्टेज बराबर आ रही है। तो अभी यहाँ पे जो मेंशन किया है चार्ज, और यहाँ पे जो मेंशन किया है लोड, लोड मतलब ये एलईडी जो है ये ग्लो करेंगे, इसके लिए ये लोड दिया है। और थोड़ा हल्का सा इधर आके आप देखेंगे तो इधर बैटरी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से ये बैटरी के प्लस माइनस है, इस पर सिम्बॉल भी दिया है, ये माइनस और ये प्लस। हम इसे यहाँ वोल्टेज देते हैं, तो इस पर वोल्टेज देख रही है तो 2.58 मतलब 3.5 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रही है, पर ये वोल्टेज बढ़ने होना था जैसे ही इसको, तो ये जो बैटरी चार्ज हो रही है यहाँ पर इसे वोल्टेज मिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी देखा, पर इसमें हमें ट्रैक जो है, ये ट्रैक से हमें पता चला कि ये जो प्लस है ये इस टाइप होके बैटरी चार्ज के लिए जाती है। तो सबसे पहले हम माइनस पे माइनस रख देंगे, प्लस पे प्लस, ये आई 2.5 वोल्ट के करीब, और ये आईसी के 4 नंबर पिन पे। तो दोस्तों, 4 नंबर पिन जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉट दिखाई देता है आईसी के, ये डॉट से पहला पॉइंट होता है, मतलब एक नंबर, ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर पिन पे हमें इसकी वोल्टेज मिल रही है नहीं। तो दोस्तों, इसकी आईसी के 8 नंबर पिन पे हमें 5 वोल्ट से ऊपर आ रही है, 5.5 वोल्ट के करीब मिल रही है। हाँ, ये आईसी के 8 नंबर पिन हो गई। तो जैसे ही इसको 5 नंबर पिन पे देखते हैं तो ये 2.59 मतलब इसकी आईसी डेड है, ये आईसी जो 5 नंबर पिन है यहाँ से इसे बैटरी पे वोल्टेज जाती है, तो ये आईसी डेड है, इस कारण बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हमने स्टार्ट करवाया तो आपने इस टाइप की डायोड आती है 4007, यहाँ पे 4007, तो 4007 वाली डायोड लेना है। इस डायोड पे ये प्लस वाला सिरा होता है जहाँ आपको वाइट लाइनिंग लगी हुई है, और ये माइनस वाला, तो जो माइनस वाला सिरा है इसे हमें बैटरी चार्जिंग के प्लस वाले हिस्से से लेना है। तो हमें इसे हल्का सा ऐसा लगा के देखना है, देख लो दोस्तों, बल्ब पूरी ग्लो होने लग गई। अब हम इसे लगा के बताते हैं, ये चार्जिंग की प्लस, और इस पर बैटरी लिखा हुआ है, ये बैटरी के प्लस पे दे दिया कैथोड प्लस। तो इस टाइप आपको एक डायोड लगा देना है, उसके बाद आपकी बैटरी
इस तरह जैसे ही आप चार्ज हटाते हैं तो ये ग्लो करने कम हो जाएगी, मतलब अभी ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी, ये आगे का भी ग्लो होने लग गया। तो अब इसे हम चार्ज करने के लिए रख देते हैं। हमने तो ये काम बना दिया, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम इसे खोल के बताते हैं इसमें होता क्या है। आपको ये जो फ्रंट रिंग है इसको इस तरीके से खोलना है, ये ज़्यादा सख्त होती है, इसे संभल के खोलना, बहुत सख्त होती है, इसको खोलने में दिक्कत आती है। हमने इसको खोल लिया है अभी, अभी ये देख लीजिए इसका ग्लास, इसका ये रिफ्लेक्टर। अभी हम इसको ओपन करके बताते हैं। ये जॉइंट से हल्का सा कट लगाना होता है, ये जो पेपर है इसे कट करवा लेना, नहीं तो ये खुलने में दिक्कत देगी। इसमें होता है लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की, ये पैरेलल में चार जुड़ी हुई है। ओके, तो इसे अंदर तो कुछ नहीं होता है, एक स्विच लगा होता है। ये स्विच की जानकारी मैंने एक वीडियो में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये प्लस माइनस चार्जिंग की सॉकेट के लिए होती है। फिलहाल हमने तो इसका फॉल्ट निकाल लिया है, हम इसे दोबारा से बंद करवा देंगे। इस प्रकार का लिथियम सेल आता है 3.7 वोल्ट, ये चार बैटरी आपस में जुड़ी है पैरेलल में। अभी दोस्तों जैसा ये बैटरी चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वोल्टेज देखेंगे तो लगभग 7 वोल्टेज के करीब आने लग गए, ये चार्ज होना शुरू हो गई। अभी जैसे हम चार्ज हटाते हैं तो ये वोल्टेज कम हो जाएगी 2.93। इसे लॉक देख के लगाना है। बैटरी के और भी कुछ वीडियो हम डालेंगे, पहले भी हमने स्विच का एक वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।